20 साल पहले चलती हुई गाड़ी में कहा होगा ये बाबू जी की गाड़ी ये खड़ी हुई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह सुबह 5:30 बजे के करीब अब निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के गाँव पुराने, बहुत काफ़ी पुराना है और मैं सेकंड टाइम वहाँ जा रहा हूँ। तो फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और सोमना स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं। और हमारे मैं जब आया था पहली बार तो इसे ये सब नहीं था। मेरे पापा का ये रियल गांव है, मतलब ये मेरे पापा और दादाजी का गांव है। मेरे दादाजी और मेरे पापा जी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए थे, इसके पीछे कोई लंबी कहानी है जो कि मैं आपको किसी दिन शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी तो चलते हैं घर पे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने जोकोता में और अभी चलते हैं चाचा जी के घर पर और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है कहानी है। ये जा रहे हैं पापा मम्मी और अभी घर, मुझे पता नहीं कहाँ पर है कहानी है। मैं आया हूँ बस एक बार यहाँ पर, आज से लगभग 6-7 साल पहले आया था और अभी अब आया हूँ। अभी देखते हैं, घर तो पता नहीं है मुझे कौन सा घर है कौन सा नहीं है। ये वाला घर है, फाइनली अपने घर पे भी पहुंच चुके हैं। और गांव मेरा कुछ ऐसा है, आप देख लो, ये मेरे दादाजी का गांव है। मेरे दादाजी आज से 25 साल पहले यहां पर रहते थे और वैसे गाइस मैंने अपने दादाजी देखे नहीं है अभी तक। और वैसे मैं आपको खास चीज़ दिखाऊं, यहां के कुत्ते भी कहां पर सोते हैं ये देखो गाइस, खाट के ऊपर देखो कुत्ता कैसे आराम से सो रहा है। इसका सही है यार, क्या कुछ लगा रहा है, स्टाइल है बाबू भैया राजू का। और गाइस मैं बताता हूँ, यहाँ पर अपना एक प्लॉट है, साइड में ही बना हुआ, मैं दिखाता हूँ। ये प्लॉट दिख रहा है ना आपको, ये प्लॉट अपना है और ये घर है चाचा जी का गांव में। गांव में मैं सेकंड बार आया हूँ, मतलब पहले आया था शादी पर, आया था किसी की, बाबा के, बाबा जी की कोई लड़कों की या लड़कियों की शादी थी, नहीं लड़कियों की शादी थी शायद, तब आए थे हम। भाई साहब की नींद पूरी हो चुकी है, देख लो एकदम मस्त, अब जा रहे हैं। अरे ये क्या है, इसकी माँ का भोला चेहरा। उस पर नींद पूरी नहीं हुई, इस पर आगे सो गया, ये बंदा सही है यार। हम सिर्फ एक दिन के लिए आए और आ जाएं, कल निकल जाएंगे। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ पर गांव में स्कूल भी है, छोटे से मतलब छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी गांव नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल दिखाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, मैं दिखाता हूँ। तो ये पास में ना बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं अभी, तो ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर। और गांव कुछ मेरा इस प्रकार है, मेरे दादाजी का गांव है, मेरे दादाजी इस गांव में रहते थे
दादाजी की स्टोरी तो मैं किसी और दिन बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। रोटी बना रही है चूल्हे पर, कितने साल में बना रही हो बताओ ना, कितना टाइम होगा? 5 मिनट। पाँच मिनट नहीं, पहले कब बनाती थी? पहले बनाती थी 20 साल पहले। 20 साल पहले, और आज मौका मिला तुम्हें तो। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ प्लॉट की तरफ, जिसमें हमारे जो कि मुझे ये लेके आया चाचा जी का लड़का, तो गाइस ये अपना प्लॉट है, ये लगा हुआ है, पता नहीं क्या ही है, मुझे खुद को पता नहीं है। और स्कूल के पीछे बैक साइड में हो रहा है क्रिकेट मैच। आउट है वो ना, वो आगे चल रहा है मैच, और हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं मस्त आराम मैच देख रहे हैं, और इधर हो रहा है मैच। कैच कैच कैच, नहीं हुआ। आप पापा को देख रहे हो, पापा वहाँ बैठ के अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। ये गांव की जिंदगी है, गांव के मजे यही है, और मुझे भी बैठना है इस गाड़ी पे, मैं भी जा रहा हूँ पापा के पास। क्या कहते हो? चारा। यार अपने अभी तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत पर, और खेत पे घूमेंगे, ताऊ जी के खेत पे जा रहे हैं, और ताऊ जी हमारे कुछ सामने ही है वहाँ पर, और मस्त मज़े कर रहे हैं। एक दिन के लिए मज़े काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे साथ चल रहा है चाचा जी का लड़का। वैसे हमारे भी खेत हैं, पर हमें खेत पता नहीं है हमारे खेत कहाँ पर हैं। हाँ पीछे साइड में इधर हमारे खेत है ना, बाजू में ही तो मैं बता रहा था ना, वहीं पर है। अच्छा तो दूर होंगे थोड़े, तो लगभग 50 होगा। 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर? कुछ भी 50 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हुआ, 20 किलोमीटर। अच्छा चलो, तो गाइस अभी आ चुके हैं ताऊ जी के खेत पर, ताऊ जी की गाड़ी ये खड़ी हुई, और पापा वहाँ पे उस साइड पर, और चलते हैं घूमने। ये कौन खड़ा है? अरे यार ये पिलर खड़े हैं, मैं सोच रहा कोई खड़ा है यार। पापा देखो शायद आपको दिख रहे हो तो खेत में खड़े हैं। ये आ रहे हैं हमारे ताऊ जी घास, मतलब गाय का चारा लेके, और पापा देखो वहाँ पर खेत में वो ताई हैं। गाइस वो ताई जी हैं, और ताऊ जी ने रख दिया। और सुना तो बस मस्त बढ़िया है, मतलब इतने ले जाएंगे और भी है बस एक और। तो अच्छा ताई है वो, जूते ही जूता बजाऊंगा तो जाना है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ताऊ ताई है? हाँ। अच्छा मिल के आते ताई थे। नमस्ते।
गाँव की गाड़ी आ गई। धान है धान जी चावल है। भाई को बहन को पूछो देखिए। चलती हुई गाड़ी में का हो गई चलती हुई गाड़ी में ये क्या हो गया देखो जब उसके मतलब तब वही खुलो सही खुल तो वो का करे दोबारा से बैठ चुके अपनी गाड़ी पर और सारे अपने घर पर गाड़ी फास्ट डूब गई गाइस। You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. Okay, guys, finally आ चुके हैं गांव के अंदर, खेतों में से निकल के। Deep in my heart, I know you're irreplaceable. Guys, ताऊ जी के घर पे आ चुके हैं अभी। ताऊ जी ने ये अभी फाइनली में अभी लिया है और गांव अपना ऐसा है। गांव थोड़ा ओल्ड है, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसमें से है ये गांव। अपने गांव में चकोता में हम घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। हमारे चाचा का लड़का घुमा रहा है, छोटा भाई है। हाय करते का पूरा नाम बताओ। नाम भाई इसका नाम है गोलू, बहुत अच्छा है भाई। Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. I don't wanna love you when I'm faded. और हाँ गाइस, इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर, क्योंकि व्लॉग हो चुका है काफ़ी बड़ा। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो भी मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस इस गांव के जलवे देखो, तो भाई घोड़े पर घोड़ा लेकर और सब्जी बेचने आए हैं। देख रहे हो मम्मी सब्जी ले रही है।